हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जेसेन एंड यू आर वाचिंग जेसेन जेएक्स। मैं इंडिया के लेसर नोन ट्रैवल डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करता हूं, तो उन सब को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज बहुत दिनों बाद हम लोग बाहर निकले हैं। ये देखो ब्राइन, मम्मा और मैं, सिर्फ हम तीनों आज जा रहे हैं पहाड़ों में। तो हम लोग अब निकल गए हैं ऋषिकेश की तरफ। 12:30 हो रहे हैं और हम लोग गुड़गांव से निकले हैं। अभी देखो, हो सकता है 5-6 घंटा में यहाँ से लगेगा, तो मैं आपको रास्ता दिखाता रहूंगा। इस वाले वीडियो में हम सिर्फ रोड जर्नी देखेंगे और हम लोग वहाँ पे जाएंगे, कैंप में रहेंगे। तो आप इस जर्नी का एंजॉय कीजिए। अब 1:30 बज गए, इसका मतलब है, अरे चुप हो जाओ भाई साहब। तुम रहती हो। अब 1:30 बज रहे हैं, इसका मतलब 1 घंटा हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे। अभी हम लोग वैसे यमुना नदी के ऊपर ही है। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे और मेरे लेफ्ट साइड में है अक्षरधाम मंदिर। ये लेफ्ट में जो है ये वैशाली वसुंधरा इनक्लेव ये है, और जो राइट साइड में है ये नोएडा है। 100 की स्पीड में आप चला सकते हो, लेकिन हम लोग चला रहे हैं अराउंड 80। अभी पीछे जो रास्ता गया यहाँ से लेफ्ट में दिखा रहा था कि हापुड़ गाजियाबाद लेफ्ट लेना था, और सीधा जो रास्ता है ये जाएगा, इस पे लिखा हुआ है हरिद्वार एंड मेरठ। तो हमें तो भैया अल्टीमेटली ऋषिकेश जाना है, तो वाया हरिद्वार ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग अब सीधा जा रहे हैं। ये सामने लिखा है सोनीपत लेफ्ट और पीछे लिखा हुआ था सोनीपत 1 किलोमीटर लेफ्ट। उनका कहने का ये मतलब था कि अगर सोनीपत जाने के लिए जो रास्ता है वो 1 किलोमीटर लेफ्ट से आपको मिलेगा। ये है वो रास्ता है सोनीपत जाने वाला। सामने बताएगा कि हम लोग किस स्पीड में चल रहे हैं और ग्रीन या रेड हो जाएगा, तो हमारी स्पीड है 60 और स्माइली बन के आ गया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा पे। वैसे हमारे इसमें फास्ट टैग लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। धन्यवाद पुनः, आपका आगमन प्रार्थनीय है। थैंक यू Kindly visit again। फिर से भीड़ भाड़ आ जाएगी। जिस स्पीड में हम लोग चल रहे थे वो स्पीड अब नहीं रहेगी, क्योंकि अब नॉर्मल हाईवे हमारा इसमें अटैच हो जाएगा। राइट साइड जो है वो मेरठ है। नो, एक्सप्रेस वे जहाँ से हमने छोड़ा था वहां से 20 किलोमीटर आ गया, और यहाँ पे देखो CNG पंप है। पीछे बरौत वाला फ्लाईओवर आया था, बरौत और मेरठ जाने वाला, तो उसी के पास में है ये। ये है वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा। यहाँ पे 45 रुपीज है टोल। अगर आप लोकल होते तो 20 रुपए में मान जाते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि लोकल नहीं है, हम लोगों को 45 रुपीज लगेगा। अब गुड़गांव से जब हम निकले थे तब से यहाँ तक 2 घंटा हो गया। ये वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पे हमारा 2 घंटा में लग गया यहाँ तक पहुँचने के। 128 किलोमीटर हमने 2 घंटे में तय किया। यहाँ पे हमें 45 रुपीज हमारा फास्टैग से कटा। अब हम लोग आगे चलते हैं, और ये है खतौरी बाईपास का मिड पॉइंट। यहाँ से देहरादून और ये इसका मिड पॉइंट आता है, इसमें सब कुछ है, बीकानेर, KFC। ये है मिट्टी, और यहाँ से हम लोग कुछ लेते हैं। मैकडी तो अभी बंद था, और उससे पहले वालों में हमने रुके नहीं थे,
तो अब देखते हैं आगे कुछ मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो अदरवाइज ढाबा जिंदाबाद, ढाबे में से कुछ पराठे या कुछ खा लेंगे। मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं और जो लेफ्ट में था जगह ये है मुजफ्फरपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है, मुजफ्फरनगर का इंडस्ट्रियल एरिया है। एक चीज और, पूरे रास्ते में ना सीएनजी पंप ऑलमोस्ट हर 10 किलोमीटर में है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो 10 नहीं है तो 20 किलोमीटर में तो है ही। तो अभी तक मुजफ्फरपुर मुजफ्फरनगर से पहले तक तो कोई दिक्कत है नहीं सीएनजी की। जब हम लोग रेणुका जी गए थे बाइक से, तो मैंने आपको ये भी दिखाया था कि मुजफ्फरनगर में भी सीएनजी पंप है, तो अगर आप सीएनजी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब ये कोई जगह आ गई है, इसका नाम है छापर या छपार ऐसा कुछ है, बट ये मुजफ्फरनगर का ही पार्ट है। सामने दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग 239, बद्रीनाथ 347, माना 396 जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है, और ऋषिकेश 101। मतलब 2 घंटे में ऋषिकेश आराम से पहुंच जाएंगे भाई। हम लोग 3:30 हो गया है और 4:30-5:30 तक हम लोग ऋषिकेश पहुंच जाएंगे इजीली। इस वाले टोल का नाम तो नहीं पता है फिलहाल, बट यहाँ पे 50 रुपीज है टोल। तो यहाँ पे भी हमारा टोल अपने आप कट गया और हम लोग आगे निकल गए हैं। यहाँ पे 50 रुपीज लिया, 5 रुपए ज्यादा लिया लास्ट टाइम के मुकाबले। अब हम लोग हरिद्वार से ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर पहले है, हरिद्वार पहुंचने में 1 घंटा और उसके बाद ऋषिकेश में पहुंचने में आधा घंटा लगना चाहिए, लेकिन पता नहीं 2 घंटा मान के चलते हैं। फिर यहां से रुड़की 29, हरिद्वार 60, काजी जो कि राइट साइड में है वो 5 किलोमीटर। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। अब हम लोग यूपी से निकल के उत्तराखंड में घुसने वाले हैं और देखो स्वागत करे भैंस। ये उत्तराखंड पुलिस ने अपना बैरिकेडिंग लगा रखा है। अभी भी यहाँ से रुड़की है 16, हरिद्वार 47, देहरादून 90, और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 80 की। ये देखो इसकी स्पीड लिमिट है 80 की और अब और हम लोग चल रहे हैं 70 पे। यहाँ से हरिद्वार 41, ऋषिकेश 68, और जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है ये वो जा रहा है देवबंद और सहारनपुर। देखो स्ट्रॉबेरी बेच रहे, देखो भाई कलर देखो। अपने बगीचे की अगर मीठा ना हो तो फिर क्या करूंगा, फोटो में कैमरा में चली जाएगी। ये बिल्कुल इतना बड़ा बड़ा भी होता है। दिस इज सो बिग, स्ट्रॉबेरी देखो, नाइस टेस्टी, बच्चे को देखो बच्चा खाएगा। ये लाइक इट, यस, वेट वेट, वाओ, देखो भाई कितना बड़ा होना चाहिए बस। ये देखो भाई क्या साइज है, और ये 80 रुपए का 250 ग्राम है। तो हम लोग चलते चलते मंगलोर पहुंच चुके हैं। ये बैंगलोर नहीं है, ये है मंगलोर। लिखा ऑलमोस्ट सेम जाता है मंगलोर के जैसा, बट ये मंगलोर है मंगलोर। तो ये जो जगह है मंगलोर जहाँ से हम लोगों ने अभी स्ट्रॉबेरी लिया, एकदम लाल और एकदम मीठा। ये जो मंगलोर हम लोगों ने क्रॉस किया, इसके बाद ना जितने भी आसपास एरिया में ना ईंट बहुत सारी बन रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, लेफ्ट में ईंट की जो मतलब वो लंबा सा पिलर जैसा होता है, धुआं धुआं निकलता, नीचे ईंट बन रहा है। देखो लेफ्ट में भी राइट में दोनों तरफ, सॉरी नॉट चारों तरफ, दोनों तरफ। तो यहाँ पे भी अगर आपको पतंजलि योग पीठ जाना है तो यहाँ से लेफ्ट में कहीं जाना पड़ेगा। पतंजलि योग पीठ बाबा रामदेव का इधर है, ये शायद यही वाला ही है मेन। थैंक यू फॉर योर विजिट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे नेशनल हाईवे का रोड खत्म हो जाता है।
तो वो टोल देने के बाद मुझे लगता है ये ऋषिकेश जाने तक का अब ये लास्ट टोल है, इसके बाद अगर आया तो स्टेट हाईवे का आएगा, बट नेशनल हाईवे पे नहीं, नेशनल हाईवे का नहीं, नेशनल हाईवे यहीं पे खत्म होता है। अब मैं बताता हूँ यहाँ का इसने कितना लेना है, पीछे 50 लिया है, उससे पहले 45 लिया था, और यहाँ पे और बढ़ के 85 रुपीज है। ओ माय गॉड, वैसे गुड़गांव वाले में ऑटोमेटिकली चलते रहो, कटता रहेगा जो भी, नॉट ओनली गुड़गांव, NH1 पे भी चलते रहो, अपने आप कटता रहता है। यहाँ पे बंदा पहले रुकेगा, फिर वो लोग एंटर मारते हैं, अपने आप फिर रिकॉर्ड लेता है, उसके बाद आगे जाता है। वो ज्यादा अच्छा सिस्टम है जो चंडीगढ़ वाले रास्ते में है, बस जाओ ऑटोमेटिकली टू होता है और चलता रहता है। गुड़गांव में भी इनफैक्ट यही वाला सीन है जो मानेसर टोल पे है, लेकिन यहाँ पे पहले आपको रुकना पड़ेगा, वो एंटर अपने कंप्यूटर से एंटर मारेगा और फिर आगे अपने आप, मतलब फिर बैरिकेड खुल जाता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार, ऑलमोस्ट 4:30 होने वाले हैं और हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं। 4 घंटे में हम लोग हरिद्वार पहुंच गए गुड़गांव से। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। अब हम लोग एक्चुअली कुंभ सिटी में, मेन हरिद्वार में घुस चुके हैं। तो देखो पहाड़ दिखने लग गए हैं, सामने पहाड़, इस साइड भी पहाड़ है, और लेफ्ट साइड में जो नीचे से रास्ता, ये जो जगह है, ये देखो घाट है, घाट नदी घाट। अब यहाँ से और इसके नीचे कितने अच्छे अच्छे डिजाइन बना रखे हैं। अरे देखो कितना अच्छा है, वाओ। ओह माय गॉड, इतना बड़ा ओम लिखा हुआ है। देखो कितना अच्छा से बना हुआ है, तुम्हारे लेफ्ट में जाओगे तो बिजनौर और सीधा देहरादून। फिर हमें तो जाना है ऋषिकेश। चलो खैर अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, हमें जाना है ऋषिकेश। ऋषिकेश इट इज शोइंग 23 किलोमीटर एंड देहरादून 51, बद्रीनाथ 318, हर की पौड़ी लेफ्ट। और देखो सामने एक और पुल। जय गंगा मंजा की, लोग फोटो खींचते ना कि यहाँ से खड़े हो। तो हम लोग आ गए हैं राजा जी टाइगर रिजर्व। यहाँ पे टाइगर है, एक्चुअल में टाइगर। ये देखो राजा जी टाइगर रिजर्व का टूरिस्ट गेट, ये जो पीछे लेफ्ट में रास्ता गया वहां पे है। तो आप टाइगर रिजर्व से जा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे टाइगर है और यहाँ पे एलिफेंट भी है। पहले होता था यहाँ पे रात में ना, यहाँ पे पहले अलाउ नहीं करते थे। राइट साइड से ट्रेन जा रहा है धीरे धीरे, क्यों तो पता नहीं, बस जा रहा है, मुझे इतना दिख रहा है। लेकिन ऐसे जगहों पे नहीं आते ना वो नहीं आते हैं। अरे रोड चलते हुए रोड पे नहीं आते। लेफ्ट और राइट में कितना अच्छा बना रखा है, देखो राइट साइड में भगवान ही भगवान है, लेफ्ट में भी कुछ बना रखा है लेकिन भगवान नहीं है। लेफ्ट में योगा और ये सब दिखा रखा है और राइट साइड में भगवान की फोटोज बना रखे है। बद्रीनाथ 34, ऋषिकेश 15 और अभी बजने वाले हैं 5। तो ये है सोंग नदी जो लेफ्ट है पोंटा साहिब और देहरादून, और जो सीधा है वो श्रीनगर एंड ऋषिकेश।
तो हमें तो भैया ऋषिकेश जाना है, तो हमें इस रास्ते पे से जाना पड़ेगा।